आगे हमारी चर्चा की ओर बढ़ेंगे। जो भारत के वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, उनकी तबीयत ठीक ना होने के वजह से उन पे अमेरिका में इलाज जारी था। फिर से अभी एक महीने के बाद, तकरीबन एक महीने के बाद उन्होंने वित्त मंत्री पद फिर से हाथ में ले लिया है। इसके बाद जैसे आपने पहले भी कहा था कि उनकी तबीयत बिगड़ सकती है और वैसे भी उन पे इलाज जारी था, इसके बाद उनकी प्रकृति कैसे रहेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो उनसे सबसे पहले हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि उनको रेस्ट करनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह उनका चेहरा है, जिस तरह से उनकी भावभंगिमाएं हैं, बॉडी लैंग्वेज है, राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम मानता हूं मैं, मगर डेफिनेटली आपकी सेहत अच्छी है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। शरद पवार साहब की तबीयत खराब थी तो उन्होंने बाहर नहीं निकले, आज तबीयत अच्छी है तो देखिए कैसे घोड़े की तरह भागते हैं, हर काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं। आपकी तबीयत अच्छी नहीं है अरुण जी, आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको अपनी तबीयत के ऊपर पूरी तरह से पाठ पूजा इलाज करवा लेने चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी नहीं लगता है कि उन ये सीट के ऊपर वो कंटिन्यूसली काम करने में सक्षम होंगे। अच्छा। उनकी तबीयत वापस बिगड़ सकती है, ये मैंने 3 बार बोला और दो बार बोला और दोनों बार बिगड़ी, अब 3री बार बोल रहा हूँ। मगर उनकी दीर्घायु के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए मैं कामना देता हूँ और सोचता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, मगर उनको रेस्ट कर लेनी चाहिए।